गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे EVS की नोटबुक ओपन कर लेंगे, और आपने जब नोटबुक ओपन की, और ऐसे भी आपको पता है कि मैंने सैटरडे को क्या होमवर्क दिया था, एनिमल्स नेम दिए थे। कौन सा? डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, है ना, यानी कि पालतू जानवर के नाम आपको लिखना था। वन टाइम बोर्ड से नोट करना था, टू टाइम्स खुद से लिखना था, और उसे याद भी करना था। डू एंड रिमेंबर था आपका होमवर्क। तो आपने लिखा होगा और याद करके आपने किसे सुनाया, मैं बता देती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि आप हर चीज़ को याद क्या कीजिए, और याद करने का काम, याद करके सुनाने का काम कैसे करना है, तो जो भी आपके घर में आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं, आप उन्हें ज़रूर सुनाया कीजिए। वो सुनते भी होंगे, है ना, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, कुछ डर से या फिर आपको नहीं सुनाने का मन रहता होगा, आप इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसे याद कीजिए अच्छे से। याद करने का चीज़ें याद कीजिए, समझने की चीज़ें हैं समझिए, लिखने की चीज़ें हैं लिखिए, ओके। और ये सारे काम जो भी स्टडी में हेल्प करते हैं उन्हें ज़रूर दिखाइए। आज जो हम पढ़ेंगे, उस दिन हमने पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर के बारे में। वाइल्ड एनिमल समझते हैं किसे कहते हैं? तो जो जानवर जंगल में रहते हैं उस जानवर को जंगली कहते हैं, है ना, यानी कि एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स या जंगली एनिमल्स, है ना, जंगल एनिमल्स। तो जो जानवर जंगल में रहते हैं, है ना, यानी कि आप इंग्लिश में भी जंगल बोल सकते हैं, JUNGLE, जंगल हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द हैं, तो वाइल्ड मीन्स जंगली होता है। तो जो जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर। क्लियर हो गया ना, समझ में आई मेरी बातें? और जंगली जानवर हम तो देख नहीं पाते क्योंकि हम जंगल में होते रहते नहीं हैं, हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसानों की आबादी में रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, क्योंकि हम खुद एक इंसान है। तो हम जंगली जानवर को कहाँ देख सकते हैं? तो हम जू में देख सकते हैं। जू समझते हैं, चिड़ियाघर, जहाँ पे सभी प्रकार के जानवर को रखा जाता है, उसे चिड़ियाघर कहते हैं, जू कहते हैं। यानी कि वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, पेट एनिमल्स भी होते हैं, है ना, वाटर एनिमल्स भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, हर प्रकार के जानवर होते हैं जो भी इस मतलब दुनिया में हैं। और जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं, अगर वो आबादी वाले इलाकों में आ जाए या फिर ऐसी एरिया में हम चले जाएं और वो जानवर, है ना, अगर जानवर के सामने हम आ जाए तो वो हमें मार सकते हैं, मार भी देते हैं, और जो मार के हमें खा भी सकते हैं। अब देखिए, जानवर जो खाते हैं ना, कुछ जानवर जैसे हम इंसानों में आप जानते हैं ना, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, यानी कि कुछ लोग सिर्फ साग सब्जी खाते हैं और कुछ लोग मीट मांस खाते हैं, वैसे ही जानवर भी होते हैं कि कुछ जानवर दूसरे जानवर को मार के खाते हैं या इंसानों को मार के खाते हैं, ओके, इनके मांस खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ पेड़ पौधा खाते हैं, पत्ता खाते हैं, जंगली पेड़ खाते हैं, फल खाते हैं, इस तरीके के होते हैं। और कुछ जानवर दोनों चीज़ खाते हैं, समझ में आया? कुछ जानवर भी मार के खाते हैं, इंसानों को भी खाते हैं, और पेड़ पौधा भी खाते हैं, इस तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ओके। आप आगे जब सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो जानिएगा कि क्या क्या उन्हें बोलते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि जानवर दूसरे जानवर को मार के भी खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधा खाते हैं, कुछ जानवर दोनों चीज़ खाते हैं, ओके। और एक जंगली जानवर को हम कहाँ देख सकते हैं? जंगलों में नहीं देख सकते क्योंकि हम जंगल तो जाएंगे नहीं, तो हम कहाँ देखेंगे? हम जू में, चिड़ियाघर। आप में से ही कोई बच्चा जू गया होगा या फिर कभी जाइएगा तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको एकदम अजीबोगरीब, डेंजरस, एकदम ख़तरनाक आपको जानवर देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं कुछ नेम यहाँ पे वाइल्ड एनिमल का लिखा दूँ, आप सभी बच्चे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसे याद कीजिएगा, ओके। तो आप क्या कीजिएगा, तो सभी बच्चे तो EVS की नोटबुक ओपन किए हैं, कल वाले यानी कि सैटरडे वाले में, है ना, मैंने लिखाया था डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स के बाद अगर आपके उस पेज में तीन से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज में लिखिएगा, और जिन बच्चे के नोटबुक में तीन से कम लाइन है या तीन लाइन है उसको छोड़ दीजिए, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, क्लियर। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे पहले तो लाइन खींचेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बाद, अगर उनके पेज में ज़्यादा जगह है, तीन से ज़्यादा लाइन है तो लाइन खींचेगा, लाइन खींचने के बाद जो लाइन बचा है उस लाइन में डेट और रिमेंबर, एक लाइन में, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। तो
तो आइए मैं लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग डेट लिखिए, उसके बाद रिमेम्बर, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेम्बर, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेडिंग, राइट द नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, राइट द नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना, यानी कि जंगली जानवरों के नाम लिखे। तो 20 ही लिखाऊंगी, 20 मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स लिखा था, इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स भी 20 लिखाऊंगी। वैसे और भी बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी होते हैं, लेकिन मैं 20 लिखाऊंगी और आप उसी को याद कीजिएगा। फर्स्ट है, सबसे पहले मैं लिखूंगी लायन, एल आई ओ एन, लायन। सेकेंड टी आई जी ई आर, टाइगर। बी ई ए आर, बियर। E L E P H A N T, elephant. G I R A F F E, giraffe. L E O P A R D, leopard. 7 H Y E N A, hyena, hai na, पहले इतना समझ लेते हैं। तो क्या है, लायन, लायन में शेर, है ना, एल आई ओ एन, लायन, लायन में शेर। टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर में बाघ। और देखिए जो टाइगर है वो क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर है ना, यानी कि नेशनल एनिमल है, ये बात को आप याद रखिएगा। उसी तरीके से बियर है, बी ई आर, बियर मीन्स भालू। ई एल ई पी एच एन टी, एलिफेंट मीन्स हाथी। और एलिफेंट जो है डोमेस्टिक एनिमल्स में भी आता है और वाइल्ड एनिमल में भी आता है, जंगली जानवर में भी आता है और क्या कहते हैं, पालतू जानवर में भी आता है। जी आई आर ए एफ एफ ई, जिराफ, ये टॉलेस्ट एनिमल है, जिराफ, है ना, यानी कि सबसे लंबा जानवर है। इसकी जो गर्दन होती है काफ़ी ऊंची होती है और ये डायरेक्ट ही पेड़ से पत्ता तोड़ के खा लेता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है। लियोपॉड, एल ई ओ पी ए आर डी, लियोपॉड। एच वाई ई एन ए, हाइना। ये सारे एनिमल नेम आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा 2 times, आप पढ़ के आप लिखिएगा। 1 time बोर्ड से नोट करना है आपको और 2 times आपको खुद से पढ़ के देख कर अपने नोटबुक से ही लिखना है, याद रहे ये बात। फिर से मैं एक बार पढ़ के बता दूँ कैसे पढ़ना है, एल आई यू एन, लायन। टी आई जी ई आर, टाइगर। बी ई आर, बियर। ई एल ई पी एच एन टी, एलिफेंट। जी आई R A F F E, जिराफ। N E O P A R D, लियोपॉड। H Y E N A, हाइना। मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिख रही हूँ। सेवन नंबर तक हो गया, अब 8 number, पी ए एन डी ए, पांडा। 9 एम ओ एन के ई वाई, मंकी। 10 एफ ओ एक्स, फॉक्स। 11 जे ए सी के ए एल, जैकार। 12 डी डबल डी ई ई आर, डियर। C H E E T A H, चीता। 14 Z E B R A, ज़ेब्रा, है ना। फिर मैंने क्या लिखा है, P A N D A, पांडा। और आप सभी बच्चे, आपके टॉय में भी आता है पांडा, आपने देखा होगा, वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है पांडा, और आपको किंडर जॉय में अक्सर ये मिलते होंगे पांडा। तो ये एनिमल है और ये ठंडी इलाकों में रहता है। उसके बाद मंकी, एम ओ एन के वाई, मंकी, मंकी मीन्स बंदर। आप जानते हैं मंकी जो है, जैसे एलिफेंट डोमेस्टिक एनिमल में भी आता है, वाइल्ड एनिमल में भी, उसी तरीके से मंकी भी दोनों में आता है, वाइल्ड एनिमल में भी आएगा और डोमेस्टिक एनिमल में भी। फॉक्स, एफ ओ एक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। जे ए सी के ए एल, जैकाल, वो भी लोमड़ी जैसा होता है। उसके बाद डी ई ई आर, डियर मीन्स हिरन। सी एच ई ई टी ए एच, चीता, ये भी टाइगर जैसा होता है, बाघ जैसा होता है, ओके। उसके बाद Z E B R A, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा
को बोलते हैं काला पट्टी उजला घोड़ा, है ना, यानी कि काला पट्टी रहता है उजला घोड़ा पे, उसी तरीके से सड़क पे भी रहता है, सड़क पे, है ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग उसको बोलते हैं, इसी एनिमल पे है। तो आप सभी बच्चे इसको भी नोट कर लीजिएगा, ओके, और इसे भी 2 टाइम लिखिएगा। अब मैं नेक्स्ट लिखाती हूँ जो बाकी बचा, टोटल मैं 20 लिखाऊंगी। फिर से मैं एक बार स्पेलिंग करके प्रोनाउंस बता दूँ, PANDA पांडा, MONKEY मंकी, FOX फॉक्स, JACKAL जैकार, DEER डियर, CHEETAH चीता, ZEBRA ज़ेब्रा। फोर्टीन तक हमारा हो गया, अब 15 WOLF वॉल्फ, 16 KAN GARO कंगारू, 17 HIPPO POTAMUS हिप्पोपोटामस, 18 GORILLA गोरिल्ला, 19 CHIMPANZEE चिंपैंजी, एंड लास्ट 20 RHINOCEROS डायनोसॉर्स, है ना, इतना 20 है। आप सभी बच्चे इसी को 1 से लेकर 20 तक पूरा नोट कर लीजिएगा 1 टाइम बोर्ड से, ओके। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में लिखना है ना, नोटबुक में लिखना है और उसे याद भी करना है, स्पेलिंग के साथ पूरे एनिमल्स नेम को याद कर लीजिएगा। मैं पढ़ के समझा दूँ कैसे इसे पढ़ना है, WOLF वॉल्फ, KANGARO कंगारू। कंगारू एक ऐसा एनिमल है जो कि उसके आगे में एक पाउच होता है, एक एक झोली होती है जिस झोली में कंगारू अपने बच्चे को रखती है ना, आपने देखा होगा, ऐसा लगेगा कि वो अपने बच्चे को गोदी ली हुई है, हर वक्त रखी रहती है। उसके बाद है हिप्पोपोटामस, HIPPO हिप्पो, POTAMUS हिप्पोपोटामस। उसके बाद है GORILLA गोरिल्ला। उसके बाद CHIMPANZEE चिंपैंजी, ये भी मंकी जैसा होता है, एप जैसा होता है, लंगूर जैसा होता है। उसके बाद लंगूरी बोलते हैं चिंपैंजी को, RHINOCEROS राइनोसॉर्स, ये वही मतलब काऊ भैंस जैसा होता है और दो सिंह होते हैं आगे में एकदम मुड़ा ऐसा, है ना, उसी को बोलते हैं। तो ये एनिमल्स जैसे हिप्पोपोटामस या चिंपैंजी या राइनोसॉर, आपका 2 टाइम्स नहीं अटेगा, तो मतलब 1 टाइम आप बोर्ड से नोट कीजिएगा, 1 टाइम ही आपको अटेगा तो लिखिएगा, जैसे बाकी को जैसे आप स्केल की हेल्प से 2 टाइम्स लाइन खींचिएगा, ओके, लाइन खींचिएगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, राइनोसोर की जगह पे छोड़ दीजिएगा, राइनोसोर एक बार में अटेगा, जैसे जैसे हिप्पोपोटामस है यहाँ पे HIPPO POTAMUS इतना लंबा है तो अटेगा, उसी तरीके से चिंपैंजी भी अगर आपका और राइनोसोर भी अगर आपका 2 टाइम्स यहाँ नहीं हटेगा तो इसको भी सिर्फ 1 टाइम नोट करके 1 टाइम ही लिखिएगा, तो 2 टाइम ये हो जाएगा, बाकी सब 3 टाइम हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा, ओके। और आप सभी को जान गए कि वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, है ना। और जैसे हम इंसान के लिए घर इम्पॉर्टेंट है, घर ज़रूरी है, उसी तरीके से जानवरों के लिए भी घर बहुत ज़रूरी है, ओके। आपको आजकल वाइल्ड एनिमल तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जंगल बचा ही नहीं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लोग पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं, जब पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं तो जानवर रहेंगे कहाँ, इसीलिए जंगली जानवर मर रहे हैं। और पालतू जानवर को तो क्या है, हम पालते हैं, उनके लिए घर होता है, हम घर बना के उन्हें देते हैं या अपने घरों में रखते हैं, कि जंगली जानवर हमारे घर में रहेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें मार सकते हैं और मार देते हैं, इसीलिए उनके लिए जंगल ज़रूरी है। लेकिन अब जंगल की कमी हो रही है, लोग काट दे रहे हैं, है ना, तो इसलिए जंगली जानवर मर रहे हैं, बहुत कम जंगली जानवर बच गए हैं जो कि हमें जू में, है ना, इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे, इससे इन्वायरमेंट बचा रहेगा और इससे सुरक्षा भी इन्वायरमेंट की होगी।
तो आप सभी बच्चे का होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में से लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। लिखने का काम कीजिएगा, पढ़ पढ़ के लिखिएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, और याद करके सुना दीजिएगा जो भी आपके स्टडी में आपको हेल्प करते हैं। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सभी बच्चे ये बात मेरी जानते हैं, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट स्कूल के लिए, कि स्कूल में आपका बिहेव कैसा होना चाहिए। तो आपका जो बिहेव कैसा होना चाहिए दूसरों के प्रति वो है, तो सबसे पहला है रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यानी कि आप अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, आदर कीजिए। टीचर्स जो भी हों, चाहे वो आपके क्लास टीचर हों, सब्जेक्ट टीचर हों, या फिर आपके स्कूल के दूसरे जो भी टीचर हैं, या आपके क्लास में वो आते हों या नहीं आते हों, सभी टीचर्स की हमें रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो सर हो, मैम हो, मिस हो, जो भी हो, है ना। सभी की हमें इज्जत करनी है, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक टीचर्स की इज्जत नहीं करेंगे हम उनकी बातों को नहीं मान पाएंगे, नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इज्जत करना ज़रूरी है। इज्जत करेंगे तो उनकी हर बातों को सुनेंगे ध्यान से, और फॉलो भी करेंगे, करने की कोशिश भी करेंगे। तो सभी बच्चे इस बात को खुद भी फॉलो कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ओके। और होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।